छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये पंक्तियां हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के कद्दावर नेता, लेकिन आज वही बीजेपी सत्ता के अंदर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका दिल इतना छोटा हो गया है कि उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कि पुण्यतिथि पर एक भी ट्वीट तक करना उचित नहीं समझा। इतना छोटा मन हो गया है बीजेपी का कि बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने और यहां तक कि भारत सरकार ने भी पुण्यतिथि पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक ट्वीट करना तक उचित नहीं समझा। क्या इतना छोटा मन देश के लिए सही है? क्या इतने छोटे मन से हम देश को चलाएंगे? क्या इतने छोटे मन से हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आपको एक एक करके आपको दिखाएंगे कि ना केवल मोदी सरकार बल्कि भारत की पूरी सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम नेता जिनके हाथों में देश की बागडोर है, उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक ट्वीट तक नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनकी विचारधारा से सहमत है, नहीं सहमत है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के निर्माता कहे जाते हैं, भारत रत्न है, और उनकी पुण्यतिथि पर आप एक ट्वीट तक खर्च ना करें। ये कमाल हो गया। इतना छोटा मन शायद नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो है, कुछ एक स्क्रीनशॉट हम आपके सामने रख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के कद्दावर नेता, सरकार के नेता और भारत सरकार के नेता, उन्होंने एक ट्वीट तक करना उचित नहीं समझा। ये आप देखिए, इससे पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट तक नहीं किया। उसके बाद में दूसरा आप देखिए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब ने भी एक भी ट्वीट नहीं किया। ये उनका स्क्रीनशॉट है, बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ आपको बता रहे ताकि आप ये देख सकें। और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी शाम 6 बजे तक, अब आप जाकर भी देखिएगा, शायद अब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर करना होता तो सुबह कर देते हैं, लेकिन हम इंतजार करते रहे कि शायद हम ये खबर ना करें। लेकिन देखिए कि शाम 6 बजे तक भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आता है। उसके बाद पीएमओ का ट्विटर हैंडल है ये, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक से भी एक ट्वीट नहीं आता है। ये हालात हो गए। उसके बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक भी ट्वीट इस पर नहीं किया गया। उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो विपक्ष के नेताओं की, विपक्ष को साथ लेकर चलने की भावना रखते हैं, उनके लिए इज्जत रखते हैं, उन्होंने भी एक भी ट्वीट नहीं किया। यानी क्या ये पूरा मोदी सरकार का जो है, पूरा मोदी मंत्री मंडल पर जो है वो एक पकड़ थी क्या, कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो एक ट्वीट तक ना कर पाए अपनी मन की मर्जी से? वरना राजनाथ सिंह भी अगर ट्वीट ना करें तो इसमें जो है वो हैरानी होती है। लेकिन उसके बाद में आप देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने भी ट्वीट नहीं किया। इसके बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को आप देखिए, निर्मला सीतारमन ने भी कोई ट्वीट नहीं किया। इसके बाद में रेल मंत्री पीयूष गोयल, जो 5 डब्बों की अगर ट्रेन होती है उसके लिए भी ड्रोन कैमरे से शूटिंग करवाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं खर्च किया। देश के आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक ट्वीट तक नहीं किया। इसके बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब, और नितिन गडकरी को भी बहुत सारे लोग बड़े अच्छी नजरों से देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पर अगर ये प्रधानमंत्री होते तो शायद देश के लिए अच्छा होता, लेकिन ये भी कितना प्रेशर में है कि एक ट्वीट तक नहीं कर पाए। और इसके बाद में बीजेपी के कुछ एक नेताओं को दिखाते हैं, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक ट्वीट तक नहीं किया, जबकि उत्तर प्रदेश से ही सांसद चुन करके जाते रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कम से कम इसी नाते से वो ट्वीट कर देते।
लेकिन कोई ट्वीट नहीं है। इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के और दूसरे बड़े नेता, उन्होंने भी ट्वीट नहीं किया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने, भारत सरकार ने कोई ट्वीट नहीं किया। देश के पहले प्रधानमंत्री, भारत, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कोई ट्वीट नहीं किया। यह है विपक्ष के नेताओं को लेकर के मौजूदा सरकार की नजरिया, किस तरह से विपक्ष के नेताओं को वो क्या समझने लगे हैं, ये सब आपके सामने है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बीजेपी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर यही चल रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने सही किया कि अगर ट्वीट नहीं किया, क्योंकि वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू को अय्यास घोषित कर चुके हैं, नेहरू को मक्कार घोषित कर चुके हैं, नेहरू की फोटो को व्हाट्सएप के जरिए जो है वो एडिटिंग कर करके उनको, उनके बारे में दुष्प्रचार फैलाते रहते हैं, यही उनका काम है। लेकिन आप देखिए कि नेहरू का दिल कितना बड़ा था, नेहरू का दिल कितना बड़ा था, और नेहरू अपने विपक्ष के नेताओं के लिए भी जो है वो कैसे आगे आकर के काम करते थे। ये ब्रजेश राजपूत का आप ये ट्वीट देखिए, और ब्रजेश राजपूत ने लिखा है कि नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी का परिचय रूसी राष्ट्रपति निकिता खुशेचव से कराते हुए कहा कि ये भावी प्रधानमंत्रियों में से एक है। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर तो ऐसे नेताओं को साइबेरिया भेज देते हैं। साइबेरिया एक बर्फ का रेगिस्तान है, जहां पर एक बार कोई चला गया वो वापसी नहीं आता है। लेकिन नेहरू का दिल इतना बड़ा था कि अपने एक विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी उस समय महज एक सांसद थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे, उनके पार्टी का कोई सांसद नहीं था, लेकिन नेहरू की समझ ये थी कि नेहरू समझते थे कि हाँ ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ये व्यक्ति गुणवान है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नेहरू के बारे में विचार थे। लेकिन आप देखिए किस तरह से अब नेहरू के बारे में किस तरह की नफरत भर दी गई है, और नेहरू को लेकर के मौजूदा सरकार का नजरिया क्या है, किस तरह से कहा जाता है कि नेहरू की वजह से देश में कश्मीर का मुद्दा हमेशा से है। जबकि ये एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए, और अभिनव पांडव ने लिखा है कि अगर नेहरू नहीं होते तो देश में कश्मीर नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई से दूर रख करके नेहरू की तस्वीरों को व्हाट्सएप के जरिए उनकी बहन को ही बता दिया जाता है कि वो किसी विदेशी महिला के साथ में अय्याशी कर रही थी, अय्यास और मक्कार प्रधानमंत्री के रूप में उनकी छवि बना दी गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। लेकिन आप देखिए कि उनका नजरिया क्या था। और 370 को लेकर के सबसे ज्यादा झूठ फैलाया जाता है कि 370 धारा जो लगी कश्मीर के अंदर वो नेहरू की वजह से लगी, जबकि सच्चाई ये ही थी कि 370 लगाई गई वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से लगाई गई। अब बताइए, इतनी बड़ी शख्सियत पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके बारे में एक ट्वीट तक सरकार ना कर सके, तो ये क्या सही है, क्या सरकार का ये नजरिया सही है, और वो नेहरू जो विपक्ष के लिए क्या सोच रखते थे, वो सब हमने आपको सामने रखा। बहरहाल इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, और जिस तरह से सरकार ने बायकॉट करने का काम किया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।